क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए एक स्पेशल टिप, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपल परत निशान। जी हाँ, हमेशा कर्म करते रहिए और लगातार उसमें लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये तो था आज का स्पेशल टिप आपके लिए। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नरेश सिंगल जी, मुलाकात करते हैं उनसे। नरेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नरेश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप हमेशा हमें वास्तु के नए नए टिप्स, गुण, रहस्यों की जानकारी हमें देते हैं। टॉयलेट्स के विषय में आज आप हमें बताएं कि टॉयलेट्स जो है वो किस दिशा में होना चाहिए। अभी आपने कहावत बोली कि करत करत अभ्यास के, कि आप करते रहिए। वास्तुशास्त्र आपको इसकी हेल्प से आपको कोई भी काम बहुत बार नहीं करता रहना पड़ेगा, कम समय में आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। वास्तु का ये काम ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहावत गलत है या उसका संदर्भ में, आपने जिस संदर्भ में अभी बात की वो गलत है, लेकिन जो मुख्य बात है कि ये स्पोर्टिंग एलिमेंट है वास्तु की। जो बातें हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसमें ये आपको थोड़ा सा आसान कर देता है, तो हेल्प कर देता है एक्स्ट्रा इसके अंदर आपको साथ में, यानी एक टॉनिक का काम करता है जी, सपोर्ट करता है पूरा आपका जी। अब बात आप कर रहे थे टॉयलेट की, वास्तुशास्त्र के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था इस ढंग से नहीं है जिस तरीके से आज हमने कर लिया। अटैच लैटरिन बाथरूम वास्तु के हिसाब से मान्य नहीं है। मैं हमेशा की तरह बोल रहा हूँ कि पहले लोग खाते थे घर में, माँ के हाथ का बना, बहन के हाथ का बना या पत्नी के हाथ का बना, तीन ही ऑप्शंस मोस्टली हमारे पास रहती थी। या फिर जिन्हें हम महाराज बोलते हैं, कुक जिन्हें आज के टाइम में बोलते हैं, वो होते थे, लेकिन वो या तो बहुत किसी खास कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम होता था, कोई शादी ब्याह होता था तब होते थे, या कोई बहुत जो बहुत धनी व्यक्ति होते थे राजा टाइप, उन लोगों के लिए रहता था। आज हम क्या करते हैं, अधिकतर ऐसा होने लगा, 50% तक ऐसा होने लगा कि अब हम खाते हैं बाहर। कहाँ पर? मैकडोनल्ड में, नरूलाज में, पिज़्ज़ा हट में, हल्दीराम पे, रामेश्वरम पे, यानी कहने का मतलब हम बाहर खाते हैं। और पहले लोग क्या खाते करते थे, घर में खाते थे और बाहर फ्रेश होने जाते थे, शौच के लिए बाहर जाते थे। अब हम खाते बाहर हैं, फ्रेश घर में होते हैं, यानी हमने अपने पूरे घर को मोटा मोटी ये कहें कि एक शौचालय बना लिया। बहुत गहरी बात आपने कह दी, लेकिन फिर भी मजबूरी है, आपने या उसने, सबने शौचालय तो घर में ही बनाना पड़ता है। और आजकल तो सरकार भी इस चीज़ का प्रचार करती है, तो उसके कम से कम हम गलत तो जा ही रहे हैं, तो उसमें जितनी कम गलती हो वो सोचने की बात है। जो शौचालय है उसके लिए आज के संदर्भ में दो डायरेक्शन इस तरह से हैं। एक तो आप पश्चिम में बना सकते हैं, यानी वेस्ट में, दूसरा दक्षिण में, साउथ में, तीसरी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट, यानी वायव्य क्षेत्र। तीन डायरेक्शन में आप शौचालय बना सकते हैं, यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई समस्या शौचालय की वजह से नहीं आएगी। आपने कभी सुना हो कि ये लगातार बीमारी रहती है, ठीक ही नहीं होते, कभी घर में बाप परेशान, कभी माँ को तकलीफ, कभी बच्चे बीमार, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है,
यानी लगातार यदि मेडिकल बिल्स बनते जा रहे हैं, होने वाली संतान थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान है या हैंडीकैप पैदा होने का चांस हो जाता है, कुछ भी इस तरीके की बातें जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि शौचालय है तो इफेक्ट्स करते हैं डिप्रेशन का, एग्रेशन का, यानी मानसिक मनोरोग की जिसे हम बात करते हैं, मन से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए रोग जिसे हम बोलते हैं वो और उत्पन्न होते हैं। एक बात आपसे सिंगल जी और जानना चाहूँगी कि फ्रेश होते समय किस दिशा की तरफ मुख रखना चाहिए? फ्रेश होते समय हमारे को ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, हो सके तो नॉर्थ, इन तीन डायरेक्शंस के अंदर हमारे को फेस नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी जो सेंसिटिव डायरेक्शंस है वो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, तीन डायरेक्शंस में हमारा मुख नहीं होना चाहिए। बेस्ट क्या है कि यदि हमारा मुख पश्चिम की तरफ हो या दक्षिण की तरफ हो, यानी वेस्ट में हो या साउथ में हो हमारा मुख। अब इसके अंदर भी टॉयलेट के अंदर जो लोग थोड़ा टेक्निकली समझते हों, यदि इंडियन सीट है, इंडियन सीट जिस पर हम पैर रख के बैठते हैं, इंग्लिश सीट जिस पर हम हिप्स रख के बैठते हैं, दो चीज़ यानी वेस्टर्न सीट, उसके अंदर क्या है, अगर इंडियन सीट है तो उसके अंदर एक गड्ढा किया जाता है इंटरनली जो हमें नज़र नहीं आता, और उसमें जो है वो ट्रैप लगा रहता है, वहाँ से वो मलमूत्र जाता है। और एक होता है इंग्लिश यानी कुर्सी टाइप जिसमें हम बैठते हैं, उसके यदि इंग्लिश सीट लगा रहे हैं तो टॉयलेट हमारा दक्षिण में भी साउथ वेस्ट में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो इंडियन सीट लगा रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम का टॉयलेट एकदम गलत है, जिसे बोलेंगे अत्यंत विनाशकारी जिसे बोलते हैं, खास करके हेड ऑफ द फैमिली के लिए हार्ट अटैक का कारण हो जाता है। अचानक सडनली आदमी कहते हैं यार अच्छा भला था, ठीक ठाक सोया था, पता नहीं क्या हो गया, उठाई बस बढ़िया था, चलते फिरते चले गए, ऐसी समस्याएं आपको मिलेंगी जी। बाथरूम के विषय में भी आप यदि हमें बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉयलेट्स के विषय में आपने बताया ये वाली दिशाएं होनी चाहिए, बाथरूम जो होता है उसके संदर्भ में आप बाथरूम का मतलब आपका हुआ नहान घर, यानी यहाँ स्नान किया जाता है या नहाया जाता है। आजकल क्या है जगह कम होती है और लोगों का सिस्टम थोड़ा वेस्टर्न सिस्टम हो गया, तो उसके अंदर टॉयलेट और टॉयलेट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी WC ठीक, और नहाने का मतलब ये होगा मतलब यहाँ पर हम शावर लेते हैं या हम पानी की व्यवस्था करते हैं, वो कंबाइंड होती हैं, ना हो तो ज़्यादा अच्छी है। किसी कारण से जगह कम है, बना रहे हैं, सारी बात है, नहन घर जो है वो हम किसी भी डायरेक्शन में बना लें, कहीं भी बना लें, उसका कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो हम कहीं भी कर सकते हैं। बात यहाँ पे WC की है, इसलिए एक कॉमन लव चल पड़ा कि बाथरूम में है भले वो फ्रेश हो रहे हों। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बाथरूम हम कहीं भी बना सकते हैं, बाथरूम केवल बाथरूम हम नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं। इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि बाथरूम और वॉशिंग एरिया आप एक ही कर लीजिए, और जो WC वाला एरिया है वो थोड़ा सा आप सोच समझ के बना लीजिए, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी ही नहीं। यदि अगर ऐसा है नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका है टॉयलेट, तो आपको बीमारियों से खास करके मानसिक रोग से जूझना पड़ेगा, और यदि आपका टॉयलेट नॉर्थ में है तो पैसा आपका बीमारी में लगेगा, और यदि ईस्ट में है तो नेम एंड फेम में प्रॉब्लम आएगी जी। कई जैसे कि आपने कहा कि कंबाइन नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बार कंबाइन होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने जो अटैच बाथरूम या टॉयलेट्स होते हैं उसमें कुछ पिक्चर्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, डिपेंड करता है वो किस चीज़ के पिक्चर या किस चीज़ के फोटोग्राफ लगाते हैं। कुछ लोग क्या है आजकल एक सिस्टम चल गया है कि टॉयलेट में बैठते हैं, अखबार साथ में ले लेते हैं, मैगजीन साथ में ले लेते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेते हैं। तो मैं नहीं, बड़े बड़े योगाचार्य वगैरह बोलते हैं कि शरीर जो है मन के साथ दिमाग के साथ काम करता है, कि इसलिए एक टाइम एक ही काम कर पाता है तो उससे ठीक से कर नहीं पाता। यानी अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया तो हम ठीक से फ्रेश नहीं हो सकते जी। जब उसको फ्रेश नहीं हो सकते तो हमारे को हमेशा पेट की समस्या बनी रहेगी जी। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी एक कार्य कीजिए लेकिन पूर्णतः उसको उसमें डूब के कीजिए, मतलब यदि आप किसी चीज़ में ध्यान दे रहे हैं तो आपका फोकस जो है वो उसी में रहना चाहिए, इधर उधर आप जी। सिंगल जी, आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।